हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें दो तो हमने ऑलरेडी कर चुका है। अभी शुरू करेंगे क्वार्टर सर्कुलर रिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके सेंटर में। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, तीसरा नंबर आपने अगर दो नहीं किया तो आप पहले उसको कर लें, फिर इस तीसरे को करने की कोशिश करें। ठीक है, हमारे पास एक मान लेते हैं क्या है, क्वार्टर सर्कुलर रिंग, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और इसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके आर्क में। ओके, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें टोटल चार्ज हमने जो दिया है वो क्यू दिया है। टोटल चार्ज कितना दिया है बोलिए, टोटल चार्ज क्यू दिया है और रेडियस आर है, और इस पॉइंट में ये पॉइंट हम पी मान लेते हैं, अलग से लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे मुझे जानना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल हमारा एक सर्कल की बात करें 2πr होता है, उसका आधा πr होता है, और ये तो हमारा आधा का आधा है, दैट इज़ πr बाई 2 होगा। ठीक है, सेमी सर्कल का भी आधा है जिसको हम क्वार्टर सर्कल कहेंगे, टोटल चार्ज क्यू है, और इसका जो डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है, अब ये मानते हैं ये क्या है बोलिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हमने लैम्डा माना। क्या माना, लैम्डा। तो टोटल हमारे पास लेंथ कितना है, पाई आर बाई टू, इसमें हमारे पास चार्ज क्यू है तो एक में कितना होगा, क्यू बाई पाई आर बाई टू, या कहेंगे टू क्यू बाई पाई आर, और इसी को हम कहते हैं यूनिट चार्ज में, मतलब यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है उसको हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा क्या होगा, टू क्यू बाई पाई आर, ठीक है, और ये हमारा यूनिफॉर्म है। क्या ये यूनिफॉर्म है, तो छोटा सा चार्ज भी लेंगे तो छोटा सा लेंथ लेंगे, उसका रेशियो भी हमारा क्या रहेगा, लैम्डा ही रहेगा। अब क्या करते हैं कि इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा छोटा सा कहीं से निकाल लेते हैं, छोटा सा, ये बहुत छोटा है लेकिन दिखने के लिए थोड़ा बड़ा तो बनाना पड़ेगा ना। इसका लेंथ हमने कितना लिया, डी एल, इसमें जो चार्ज है उसको हमने क्या माना, डी क्यू, और ये जो हमारा एंगल है सेंटर के साथ वो बना रहा है कितना एंगल मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा बहुत होता है, ये डी थीटा, और कितना ऊपर गए, थीटा ऊपर गए, थीटा ऊपर जाके हमने डी थीटा, और ये तो आपको पता ही है ये रेडियस है। इसमें अगर समझने की हम कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, डी एल मतलब ये जो डी थीटा होता है आपको पता ही होगा, डी थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बटे रेडियस, तो हम लिख सकते हैं डी एल बराबर आर डी थीटा, डी एल बराबर आर डी थीटा। और लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लैम्डा बराबर बहुत छोटा सा चार्ज मतलब डी क्यू बटे डी एल, यूनिफॉर्म है, डी क्यू बटे डी एल लिखें या टू क्यू बाई पाई आर, दोनों एक ही बात है। लैम्डा मतलब चार्ज बटे लेंथ, चार्ज बटे लेंथ, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लैम्डा डी एल, तो यहाँ से हमारा डी क्यू होगा लैम्डा आर डी थीटा, ये हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस पॉइंट में अगर हम आते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पूरा एक साथ तो निकाल नहीं सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, हमको कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा, दैट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है उस फॉर्मूले में, और ये वाला चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है और आर डिस्टेंस में, इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम मान लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, और ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और नीचे क्या होगा, थीटा एंगल डी ई, या डी ई क्या होगा, कॉस थीटा, और डी ई क्या होगा, ये साइन थीटा, तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स हो गए, क्या क्या, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी ई कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा, डी ई साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा। इससे पहले वाले केस में हमने सेमी सर्कल लिया था तो क्या हुआ था, इधर वाला और इधर वाला जो कॉस है वो कैंसिल हो गया था, कॉस एक दूसरे को कैंसिल किया था, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। कॉस और साइन के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं, ये एक्स वाला कॉम्पोनेंट मान लेते हैं इसको, ये ई एक्स है और ये ई वाई है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई एक्स ई वाई तो नहीं है, ये हमारा डी ई एक्स है
और ये डी ई वाई है, मतलब छोटा सा है ना। अब सारा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब डी ई कितना होगा, डी ई होगा, आप ये सब लिखने के बाद फिर नीचे लिखें ये सब, डी ई होगा के क्यू कितना, छोटा सा क्यू, डी क्यू डिस्टेंस कितना है आर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डी ई हो गया हमारा के, डी क्यू कितना है लैम्डा आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हमारा डी ई हो जाएगा के लैम्डा डी थीटा बाई आर, ये डी ई आया। हमें क्या चाहिए, डी ई एक्स और डी ई वाई, ये सारा मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत आपको तो और नहीं है, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, मैं अगर ई एक्स में निकालूँ तो सारा का सारा मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी ई कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा कितना है के लैम्डा डी थीटा बाई आर। इसको चाहते तो हम इसको ऐसे बना के, मतलब सिमेट्री के हिसाब से बना सकते थे, ऐसा बनाने से भी बन सकता था, इधर से इधर आते, बट ऐसा हम नहीं किए, ये एक अलग तरीके से हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। के लैम्डा बाई के लैम्डा डी थीटा बाई आर, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, नहीं समझ आया तो, इंटू क्या होगा कॉस थीटा। ये किस किस क्या क्या बाहर हो जाएगा इसमें, के बाहर होगा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। और कॉस थीटा की बात करें तो कहाँ से शुरू होगा, जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, पाई बाई टू लिख सकते हैं, जीरो जीरो से पाई बाई टू रेडियन में। तो के लैम्डा बाई आर हमारा बाहर है, ठीक है, इसको उतारिए आप, ठीक है। के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, सिंपल सा साइन थीटा होता है, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री माइनस साइन ज़ीरो डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 है ना, और साइन 0 डिग्री 0, तो ये आ गया हमारा के लैम्डा बाई आर। तो जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो आ गया के लैम्डा बाई आर। उसी तरीके से हमको क्या निकालना पड़ेगा, वाई वाला कंपोनेंट, दैट इज़ ई वाई निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा ई वाई, ये होगा डी ई साइन थीटा, ये होगा हमारा के लैम्डा डी थीटा बाई आर साइन थीटा, ऐसे ही आगे बढ़ना है। के लैम्डा बाई आर बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा हमारा क्या, साइन थीटा डी थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा, ज़ीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस के लैम्डा बाई आर, एक बार क्या पुट करेंगे 90 डिग्री और एक बार 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, माइनस 1 आएगा, ये माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो एक्स वाला कॉम्पोनेंट और वाई वाला कॉम्पोनेंट, ये दोनों ही क्या आया हमारा, के लैम्डा बाई आर आया, क्या आया के लैम्डा बाई आर, ठीक है। इतना नोट डाउन करें आप, तो हमारे पास एक्स वाला कंपोनेंट कितना आया के लैम्डा बाई आर, और वाई वाला कंपोनेंट भी क्या आया के लैम्डा बाई आर। ये इधर है, एक्स वाला एक्स के साथ ऐड होगा, वाई वाला वाई के साथ ऐड होगा, ये होगा हमारा ई एक्स, और ये क्या होगा ई वाई। अब इसका जो नेट होगा वो किधर से गुजरेगा, इसके बीचों बीच गुजरेगा, क्यों, चूंकि ये हमारा दोनों सेम है, तो ये होगा हमारा कितना डिग्री 45 डिग्री, इधर से भी कितना एंगल बनाएगा 45। तो ई नेट जो होगा वो हो जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर का रूट, ई एक्स कितना है हमारा वही के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर उसका रूट, तो दोनों डबल हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर का रूट। तो ई नेट हो गया हमारा रूट 2k लैम्डा बाई आर, 2 पे पावर रूट है तो रूट 2 हो गया, और k लैम्डा बाई आर पे स्क्वायर है फिर उसमें पावर हाफ है, तो रूट 2k लैम्डा बाई आर, और एंगल कितना हो 45 डिग्री, ठीक है, किसके साथ, x वाले कंपोनेंट के साथ भी और y वाले कंपोनेंट के साथ है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए, इसको वेक्टर फॉर्म में चाहें तो आप लिख सकते हैं, इस फिगर के हिसाब से जो ई नेट होगा हमारा वो होगा हमारा के लैम्डा बाई आर, और ये किधर है पीछे की तरफ, माइनस आई कैप प्लस
के लैम्डा बाई आर ये भी नीचे है, दैट इज़ माइनस जे कैप। माइनस को पहले भी लिख सकते हैं दोनों में। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जानेंगे आर्क की वजह से, मतलब सर्कल का कोई भी आप आर्क लें तो बन सकता है। ये तो 90 डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया, और आप सर्कल की बात करें तो वहाँ तो 0 डिग्री होगा। आप सोच सकते हैं सेंटर में कैसे 0 डिग्री होगा, वो आप ख़ुद दिमाग लगाइए, ठीक है। तो अब अगर जनरल केस लें तो हमारा शायद ये थर्ड था, फोर्थ में आए, और ये कौन सा केस है हमारा जनरल केस, मतलब हम बात करेंगे किसकी, आर्क। अगर कोई भी आर्क उठाएं, है ना, यहाँ 90 डिग्री बन रहा था, 45 बन सकता है, 60 बन सकता है, मान लेते हैं ये हमने आर्क लिया। इसमें भी हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये पूरा अगर सर्कल होता तो इसका कहीं सेंटर होता, मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पे है, इस सेंटर में ही इसको पॉइंट पी मानते हैं, और यहाँ पे मुझे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो रेडियस है ये आर है। कितना रेडियस है, आर। ये जो पूरा एंगल बना रहा है ये एंगल हमने अल्फ़ा माना, कितना एंगल माना, अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्या होगा, फिगर थोड़ा मेरा टेढ़ा बन रहा है, आप अच्छे से बनाने की कोशिश करें, ये छोटा बड़ा बन जाता है, इधर से देखते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करें। हम इसका रेफरेंस एंगल यहाँ लेते हैं, और सब कहाँ से शुरू किया, यहाँ से 0 डिग्री। अब इसको हम रेफरेंस माने, ये हमारा रेफरेंस लाइन, ये हमारा रेफरेंस, तो यहाँ से हमारा 0 डिग्री शुरू होगा एग्जैक्टली बीच में। तो ये होगा हमारा अल्फ़ा बाई टू, और ये भी क्या होगा, अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा बाई टू, और ये भी अल्फ़ा बाई टू, इसको बाहर लिख देते हैं क्योंकि बीच में हमको भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ से देखें तो एक तरफ अगर हम अल्फ़ा बाई टू लेंगे तो एक तरफ क्या लेना पड़ेगा, माइनस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। ये हमारा ज़ीरो है, एक तरफ क्या होगा, इधर अगर जाएंगे, ये वाला हम डायरेक्शन भी दे देते हैं, इधर से इधर अगर जा रहे हैं, इधर अगर माइनस अल्फ़ा बाई टू ले रहे हैं, इधर क्या लेना पड़ेगा, प्लस अल्फ़ा बाई टू, दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट है। तो माइनस अल्फ़ा बाई टू से लेकर हम कहाँ तक आएंगे, प्लस अल्फ़ा बाई टू तक, वो बात आपको अभी समझ आएगी, ठीक है। मान लेते हैं छोटा सा, हमने यहाँ पर छोटा सा एक वही जो हम हमेशा करते हैं, डीएल लेंथ से डीक्यू चार्ज लिए, टोटल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, वो सब निकाल सकते हैं हम लोग। ये वाला हमारा के सेंटर में, ठीक है, ये मान लेते जो एंगल है ये डी थीटा एंगल ले रहे हैं, और ये यहाँ से कितना गया है, थीटा। तो रेफरेंस एंगल से थीटा एंगल में जाके डी थीटा में हमने डी एल लेंथ का डी क्यू चार्ज निकाला। लैम्डा क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म डेंसिटी हम मान चुके हैं हमेशा के लिए, डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा डी एल। इस छुटके से चार्ज की वजह से इधर क्या होगा हमारा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस छुटके से चार्ज की वजह से क्या होगा बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये होगा डी ई, और ये थीटा है तो ये क्या होगा हमारा, ये एंगल, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये हो जाएगा डी ई, अब कॉस होता था हमेशा, ये होगा कॉस थीटा, साइन होता था इधर, अब कॉस हो जाएगा क्योंकि एंगल चेंज हो गया, और ये हमारा डी ई साइन थीटा। अब देखिए ये हमारा रेफरेंस एंगल है इसके, और इधर एग्जैक्टली थीटा एंगल अगर हम इधर आके देखें तो इसकी वजह से साइन वाला एक उस पार आएगा, समझ पा रहे हैं आप, लेकिन सारे के सारे कॉस जो नीचे वाला है वो सब ऐड होते जाएगा। आप अगर इसको देखेंगे यहाँ वाला, यहाँ पे बनाएंगे अगर थीटा एंगल में, तो साइन वाला एक इस पार आएगा और कॉस नीचे आएगा, कॉस किधर आएगा, इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, साइन वाला इधर होगा, कॉस नीचे होगा, तो सारे कॉस ऐड होते जाएंगे और जो साइन वाला है वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो इसको हम मान लेते हैं ई डी ई, क्या मान लेते हैं इसको, डी ई ये वाई वाला, और ये हमारा डी ई एक्स वाला। तो जो टोटल हमारा एक्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जो भी बचेगा कौन सा बचेगा हमारा, वाई वाला। तो जो ई नेट होगा क्या होगा बोलिए, ई नेट ये हो जाएगा हमारा डी ई वाई, डी ई वाई, और डी वाई क्या है हमारा, डी ई कॉस थीटा। डी निकलेगा कैसे, डायरेक्टली कर रहे हैं इसको हम, के डी क्यू बटे डिस्टेंस कितना है, रेडियस,
आर स्क्वायर कॉस थीटा। डी क्यू कितना हमारा लेमडा डी एल, डी एल कितना निकलेगा हमारा डी एल हो जाएगा डी थीटा बराबर वही डी एल बाई रेडियस, तो डी एल हो जाएगा हमारा आर डी थीटा। तो लिख सकते हैं इसको लेमडा डी एल की जगह आर डी थीटा, हमेशा तो यही किए हम लोग कि डी क्यू कितना लेमडा आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आर आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा बोलिए, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो के लैम्डा बाहर आर बाहर कांस्टेंट है, ये सब क्या होगा हमारा कॉस थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, अभी हमने बताया माइनस अल्फ़ा बाई टू से लेकर प्लस अल्फ़ा बाई टू तक, कहाँ से कहाँ तक बोलिए, माइनस अल्फ़ा बाई टू से लेकर प्लस अल्फ़ा बाई टू तक। इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू से लेकर प्लस अल्फ़ा बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर। एक बार क्या पुट करेंगे साइन अल्फ़ा बाई टू, और एक बार क्या पुट करेंगे साइन माइनस अल्फ़ा बाई टू। साइन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मेरे ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोज़ आप देख सकते हैं, चाहेंगे तो मैं वहाँ पर आपको लिंक भी बता दूंगा। ई नेट कितना आया, ये आया, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाता है साइन के केस में, कॉस में नहीं आता है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये होगा के लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। और साइन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको आप उतारिए अच्छे से, चलिए उतार लिए होंगे आप इतना, तो कितना हो गया हमारा जो ई नेट है जो कि बस वाई डायरेक्शन में है, जो आएगा टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई टू, टू के लैम्डा बाई आर, ये हमारा जनरल नेट फील्ड आ गया। अब चाहें तो हम स्पेशल केस में इसको चेक कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू कितना पुट करें, अभी हमने जाना 90 डिग्री क्वाड्रेंट के लिए ई नेट कितना होना चाहिए, वो आ जाएगा 2k। बस ये जो हमने प्रोसेस किया ये डिफरेंट तरीके से किया, वहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से किया थी, अलग तरीके से किया, बट मैग्नीट्यूड सेम आएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा कितना 90 डिग्री बाई टू, 90 बाई टू 45 डिग्री होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 2 को लिख सकते हैं √2 के लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, कितना आ गया √2 के लैम्डा बाई आर। इस तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं, 60 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं आप, ठीक है, और 180 डिग्री के लिए चेक करेंगे तो क्या करेगा 180/2 यहाँ कीजिएगा 90 डिग्री आ जाएगा, 90 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, बचेगा 2 के लैम्डा बाई आर बस, ठीक है। इसमें और भी आप चेक कर सकते हैं, किसके लिए चेक नहीं, आप निकाल सकते हैं सीधे 60 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए, समझ रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं मैं सेकेंड नंबर क्या करूँ, अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री लूँ, तो क्या हो जाएगा ई नेट हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 60 डिग्री बाई टू, साइन 60 बाई टू क्या होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या आंसर है k लैम्डा बाई आर। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं, सेमी सर्कल के लिए कर सकते हैं, सेमी सर्कल के लिए जो आपका आंसर आया होगा वो आप चेक कर लीजिए। थर्ड नंबर सेमी सर्कल अगर हम लें, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना पुट कर दें 180 डिग्री, तो ई नेट आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन कितना 180 डिग्री बाई टू, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो बचेगा 2k लैम्डा बाई आर जो कि आपका आया होगा। तो ये एक जनरल केस हो गया किसके लिए, किसी भी आर्क लेंथ के लिए, किसी भी आर्क के लिए, और एंगल आपका कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री, किसी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने वीडियोज़ बनाए ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।